देश भर में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, तो वहीं इंदौर में हिंदू महासभा द्वारा गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के बयानों की प्रदर्शनी लगाकर गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए गए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हिंदू महासभा द्वारा इंदौर के जंजीरवाला चौराहे पर महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे की फोटो और बैनर के साथ वीर गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। हिंदू महासभा प्रवक्ता ने कहा कि नाथूराम गोडसे एक पत्रकार थे और उन्होंने कलम छोड़कर हथियार उठाया और गांधी जी का वध किया। जो देश में विनाश हो रहा था, आम हिंदू जनों पर अत्याचार हो रहा था, जिस कारण उन्होंने गांधी जी का वध किया। जो कि एक पत्रकार थे, उन्हें कलम छोड़कर हथियार क्यों उठाना पड़ा? ये एक आप सबकी भी जिम्मेदारी है, मीडिया की भी, कि एक पत्रकार को क्यों हथियार उठाने पड़ते हैं? और उन्होंने गांधी जी के कारण जो देश का विनाश हो रहा था, आम हिंदू जनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उनको लेकर कहीं ना कहीं मन व्यथित था हर हिंदुस्तानी का, तभी एक पत्रकार को कलम छोड़कर हथियार चलाना पड़ा और उन्होंने इसलिए गांधी जी का वध किया। और आज जिस कारण से उन्होंने गांधी जी का वध किया था और जो न्यायालय में श्री नाथूराम जी गोडसे ने जो वक्तव्य दिया था, उसके प्रमुख अंशों की हम यहाँ प्रदर्शनी लगा रहे हैं, ताकि आम जन जिनके मन में पिछले 70-72 वर्षों से भ्रम है कि गांधीवध क्यों किया गया था, उस भ्रम से उनको निजात मिल सके। वहीं एसपी धीरे सिंह येवले ने बताया कि जिस तरह से उनका कहना है कि प्रदर्शनी लगाई जाएगी, लेकिन पुलिस ने नाथूराम गोडसे के बयान की प्रदर्शनी नहीं लगने दी। उनका उद्देश्य जो था वो पुलिस ने पूरा नहीं होने दिया। एसीपी का कहना है कि हिंदू महासभा कार्यकर्ता अपने उद्देश्य में असफल हुए। वहीं नारेबाजी को लेकर एसपी ने बताया कि उनकी रिकॉर्डिंग की गई है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं करने पर एसीपी धीरे सिंह येवले ने कहा कि हिंदू महासभा के लोग ऐसा कोई कानून तो नहीं तोड़ रहे थे, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलत लगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या इनका पहले ये था कि हम यहाँ प्रदर्शनी लगाएंगे, तो कोई अनुमति नहीं होने से हमने प्रदर्शनी वगैरह इनको नहीं लगाने दी। वो तो जिस उद्देश्य से आए थे, उनका उद्देश्य पूरा नहीं कर पाए, वो अपने उद्देश्य में असफल रहे। तो कुछ उसके बाद उनको नारेबाजी भी हुई है नाथूराम गोडसे के पक्ष में। हाँ, उसके देखते हैं हम, उसके हमने रिकॉर्डिंग की है, उसका मूल्यांकन करेंगे, देखते हैं कुछ वैधानिक कार्रवाई होगी करेंगे। महात्मा गांधी के बारे में जो भी है उसका मूल्यांकन करेंगे। अब रिकॉर्डिंग है हमारे पास, हम देखते हैं उसमें क्या होता है। कौन लोग थे सर? ये हिंदू महासभा के लोग थे, जिस हिसाब से वो बोल रहे थे, हिंदू महासभा के लोग थे। नहीं, इसमें ऐसा तो कोई कानून नियम नहीं वो तोड़ रहे थे, लेकिन अगर कुछ बनता है कानूनी वैधानिक प्रावधान तो हम करेंगे कार्रवाई। जाहिर है कि पुलिस बल की मौजूदगी में आपत्तिजनक नारे लगे, पुलिस मुखदर्शक बनी रही। अब देखना ये होगा कि बिना अनुमति इस तरह के प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई करती है या नहीं।